नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले से बाध्य होगी पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया। हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया बाध्य होगी। इसमें 9 मई से इसके फिजिकल स्टार्ट होना था, जो कि 5 जून तक चलने थे। चलिए देखते हैं क्या है मामला। सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की याचिका पर सरकार व अन्य से जवाब तलब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रखा है। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल पीठ ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की याचिका पर राज्य सरकार व प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई जो है 5 मई को होगी। दरअसल 33 सेवानिवृत्त फौजियों ने याचिका दायर कर व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मतलब जो व्यापम से PV के नाम से जाना जाता है, कि उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके आरक्षण को दरकिनार कर पुलिस आरक्षक के पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र पाल सिंह रूप राय ने बताया कि प्रदेश में 6000 पुलिस आरक्षक के पदों पर चयन होना है, जो कि भर्ती प्रक्रिया है वह 8 जनवरी से प्रारंभ होकर 17 फरवरी के मध्य तक आयोजित की गई थी। इनमें से 601 पद एक्स सर्विसमैन, मतलब जो रिटायर्ड सैन्य फौजी या सैनिक थे, उनके लिए आरक्षित हैं, मतलब 10% का आरक्षण रखा गया था। चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण पूर्ण हो गया है, जिसमें 33,000 उम्मीदवारों को अगली प्रक्रिया के लिए चयन हुआ है, परंतु इनमें एक भी एक्स सर्विसमैन नहीं है। उन्होंने दलील दी है कि एक्स सर्विसमैन के पदों को सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा नहीं भरा जा सकता। यदि एक्स सर्विसमैन का स्तर अपेक्षित नहीं है तो उसे स्थल किया जा सकता है, मतलब नियमों में थोड़ा बहुत सुधार या कहना चाहिए छूट तो दी जा सकती है, परंतु मतलब जो उनकी पद डिसाइड किए गए हैं 10% आरक्षण अर्थात 601 पद, उनमें किसी प्रकार से वो मतभेद या कहते हैं इस प्रकार से हाईकोर्ट के फैसले से बाध्य होगी पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया। देखते हैं अब आगे इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं और आप हमसे इसी प्रकार जुड़ी रहें। जहां भी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वहाँ हमारा चैनल हर समय आपके साथ है। साथ ही साथ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से भी आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं। मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर सकती हैं। इन प्रारंभिक परीक्षा में भी बहुत से विषयों के नोट्स आप हमसे परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।